जिस हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना वायरस के खिलाफ इसे जंग में हथियार माना जा रहा है वो कितनी कारगर है, क्या इससे कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन वायरस कम जरूर हो सकता है, लेकिन इससे संक्रमण का खतरा फैलने की संभावना बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का इलाज अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे शोधकर्ताओं का मानना है कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उसकी कोरोना से जंग उतनी ही आसान होगी। इसके साथ ही हर्ड इम्यूनिटी या सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के फॉर्मूले को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। जहां एक ओर भारत, अमेरिका समेत कई देश लॉकडाउन से कोरोना पर विजय पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं स्वीडन लॉकडाउन से परे हर्ड इम्यूनिटी की राह पर चल रहा है। हालांकि कई देश इसके पक्ष में हैं तो कई इसका समर्थन करते नहीं दिख रहे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी से वायरस का खात्मा हो जाएगा, लेकिन इसी बीच कई विशेषज्ञ ये भी आगाह कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से पुख्ता नहीं है कि ऐसा करने से वायरस से छुटकारा मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ, इसकी रफ्तार धीमी जरूर हो सकती है। इस समय शोधकर्ताओं का मानना है कि किसी भी महामारी से लड़ने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला तो वैक्सीन ही है और दूसरा बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बन जाना, और इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जितने ज्यादा लोगों में प्रतिरक्षा होगी ये वायरस उतना ही कमजोर होता जाएगा। वैक्सीन पर ट्रायल तो चल रहे हैं, लेकिन सफलता कब तक मिलती है कहना मुश्किल है। तो फिलहाल तो हर्ड इम्यूनिटी के विकल्प पर ही जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस, वैसे कई वैज्ञानिक भी इस बारे में कह चुके हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, या हो सकता है कि इसे बनने में बहुत समय लग जाए। तो ऐसे में शरीर को खुद ही वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे भी कई वायरस हैं जिनकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं मिल सकी है, लेकिन शरीर अपने आप वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है और धीरे धीरे वायरस का असर कम होने लगता है। वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी से कुदरती हर्ड इम्यूनिटी का रास्ता अपनाना जल्दबाजी होगी। उनका मानना है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी इस कोरोना वायरस के मामले में कारगर साबित नहीं होती है तो वैक्सीन आने से पहले ही बहुत बड़ी आबादी संक्रमित हो जाएगी, जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक न्यूजीलैंड और ताइवान ने सामाजिक दूरी जैसे उपाय से सफलता हासिल की है, उनसे अन्य देशों को भी सीखना चाहिए। फिलहाल लॉकडाउन बेहतर है या फिर हर्ड इम्यूनिटी, इस पर बहस जारी है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। वैज्ञानिक अपने अपने मत के साथ अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन दोनों में से कारगर कौन सा विकल्प साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अलग अलग देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से विकल्प चुन रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।